मुरादाबाद से है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टिकली फैक्ट्री के पास एक मकान पर छापा मारा तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि मकान के अंदर अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस चार आरोपियों को धर दबोचा और मौके से 315 बोर सहित कई तरह के बने और अध बने तमंचे सहित बड़ी मात्रा में फैक्ट्री से जुड़ा सामान भी बरामद किया। जिसकी जानकारी देते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि ये गैंग लंबे समय से इस फैक्ट्री को चला रहा था। इसका सरगना सतवीर नाम का व्यक्ति है और पकड़े गए चारों आरोपियों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। ये लोग कहां कहां इन अवैध तमंचों की सप्लाई देते आ रहे हैं, इसे लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। ये थाना सिविल लाइन्स को आज सुबह एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। एक अवैध असला फैक्ट्री जो यहाँ एक टिकली फैक्ट्री है, उसके बराबर में एक टावर के सामने एक खंडहर नुमा एक मकान था जिसमें कुछ लोग एक अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे। वहाँ पुलिस ने रेड की है तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में हमको बने हुए अवैध तमंचे और कुछ अधबने तमंचे बनाने के उपकरण ये सब प्राप्त हुए हैं। चार अभियुक्त वहाँ से मौके से गिरफ्तार हुए हैं, जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होने का। अभी और भी ज़्यादा हम लोग इनसे गहराई से जानकारी कर रहे हैं। ये वहाँ पिछले काफ़ी समय से ये काम कर रहे थे, तो अभी हम लोग ये पता कर रहे हैं कि इनके पूरे नेटवर्क में और कौन कौन है, किस तरह ये सप्लाई करते हैं, जो इनके कस्टमर्स हैं उन तक ये किस माध्यम से पहुँचता है, इसकी हम पूरी जानकारी कर रहे हैं। इसमें जो सतवीर है, जो पहले भी जेल जा चुका है, वो इस गैंग का सरगना है, उससे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।